तो नमस्कार किसान भाइयों क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर किसान भाइयों के ऊपर ही पड़ने वाला है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कीट सबसे ज़्यादा अटैक करेंगे फसलों पर और जो फसलों की वृद्धि है वो हाई टेम्परेचर में कम होगी और साथ में ऐसे कीट आएंगे जिनका किसान भाइयों के लिए पता नहीं है वैज्ञानिकों के लिए पता नहीं है कंपनियों के लिए पता नहीं है तो उनके जो इंसेक्टिसाइड है मतलब कीटनाशक आते हैं उनका भी उनको पता नहीं है तो इसलिए किसान भाइयों की समस्या दिन ब बढ़ती जा रही है और खेती में नए से नए कीट अटैक कर रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और फ़सलें बर्बाद हो जाती हैं इसलिए देखा जाए तो किसानों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का असर पड़ने वाला है और अभी पड़ने लगा है इसी प्रकार से खेती में कई प्रकार के नए कीट हर साल उत्पन्न होते हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है और कई किसान भाइयों की फसलें बैठ जाती हैं और उनकी मेहनत वह सब बिका जाता है और उस कीट को कंट्रोल नहीं कर इसी प्रकार से किसान भाइयों एक लौकी की फसल में एक कीट है आपने देखा होगा शायद मुझे यहाँ दो से तीन सालों से इस कीट का अटैक सबसे ज़्यादा देखा गया है और यह एक ऐसा कीट है जो कि आप किसी भी मौसम में आप लौकी लगाइए तो लौकी पर अटैक इसका होगा ही और गर्मियों के दिनों सबसे ज़्यादा होता है और जब भी इसका अटैक होता है तो लौकी की वृद्धि है इस प्रकार से हो जाती है और जो पौधा है वैदी नहीं करता है और जो कोमल पत्ते हैं वो इस प्रकार से पीले पड़ने लगते हैं वो ठिठो का रह जाते हैं मतलब इस प्रकार से गुड़े जा जाते हैं तो जब भी लौकी का जो अंकुरण होता है मतलब दो पत्ते होते हैं उसमें उसके बाद में चार पत्ते होते हैं इस प्रकार से तो इस मच्छर का अटैक हो जाता है अब ना तो ये हरा मच्छर है ना ये वाइट फ्लाई है ना ये थ्रिप्स है लेकिन है क्या वो हम आप पहचान करेंगे कि कौन सा कीट है और कैसे हमारी फसलों में अटैक करता है इसकी पहचान देख लेते हैं तो इस प्रकार से यदि आपको दिखाई दे ये है देख सकते हैं आप ये चल रहा है पत्ते के ऊपर यह कीट है अब आप इस पर मच्छर की दवाई डालेंगे तो उससे कंट्रोल नहीं होगा कुछ जैसे मीडिया क्लोरिपेट फेमस दवाई है हरे मच्छर के ऊपर तो ये हरे कलर में है लेकिन मीडिया क्लोरिपेट इस पर काम नहीं करती है इसलिए इसको मच्छरी कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं आप इस पर देख सकते हैं ये है थोड़ा लंबा टाइप का कीट है हरे मच्छर की तरह ही है लेकिन हरा मच्छर जो उचटता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह उचटता है लेकिन ये पंखों के द्वारा उड़ता है उसके बाद में कहीं पर भी ये उड़ जाता है और दूसरे पौधे पर भी ये चला जाता है इस प्रकार से जो इसकी पहचान है आपको इन पत्तों पर सबसे ज़्यादा मिलेगा कोमल पत्तों पर और ये छोटे पत्ते हैं जो निकल रहे हैं बेल में यहाँ पर इसका अटैक सबसे ज़्यादा होगा हमने अभी इससे कंट्रोल कर लिया है अन्यथा इस पर इतने कीट थे कि की लगभग एक पत्ते पर छः से दस कीट थे लेकिन हमने इसको कंट्रोल कर लिया इसलिए आपको बहुत ही मालूम से मतलब एक से दो कीट ही दिख रहे हैं यह कीट आप इसकी पहचान अच्छे से कर सकते हैं कभी कभी आपको यह कीट दो साथ में कीट दिखेंगे मतलब एक कम है इस साइड होगा एक का हो इस साइड होगा मतलब जैसे जो प्रजनयी क्रिया में होती है उसी प्रकार से इनमें शायद प्रजनदी क्रिया होती है तो इनके दोनों साइड से जुड़ जाते हैं कीट इस साइड भी भाग जाते हैं और इस साइड भी भाग जाते हैं तो इसलिए कभी कभी आप पहचान इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसकी यह पहचान आपको सुबह या शाम करनी है सुबह शाम आपको एक कीट देखने को मिलेगा पत्तों पर दिन के समय मतलब धूप के समय यह पेड़ के पास में चला जाता है ऊपर से नीचे की तरफ इसलिए आपको सुबह शाम इसकी पहचान करनी है और जब भी दो से चार पत्तियाँ हो पौधे में अंकुर के बाद में तो आपको इस कीट की निगरानी करते रहनी तो इसको आप जानते हैं कि पहचान तो आपने कर ली है इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए वो हम उपाय आपके लिए बता देते हैं तो इस पर मैंने बहुत सी दवाइयाँ डाली तो पहले मैंने इमीडिया क्लोरोपेट का स्प्रे किया उससे कंट्रोल नहीं हुआ उसके बाद में थायो जो आता है थायो मुथक्सम पच्चीस प्रतिशत वाला उसका यूज़ किया उसने काम नहीं किया इसके बाद में सपरकिला कैरलान इस पर आगे बहुत से कीटनाशक हैं जो डाले हमने जो जो दुकानदार ने बताया वो हमने इस पर डाले लेकिन उसने भी काम नहीं किया इसके बाद हमने पनामा डाला ऊला डाला उसने भी काम नहीं किया फिर हमने सोचा कि अब मुझे ही कुछ अपना प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा तो उसके बाद में हम लाए बैगन के लिए सोलोमन मैं किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं करता हूँ सोलोमन मैंने बैगन की फसल पर डाली उसके बाद थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने इस पर यूज़ कर ली तो जब हमने इस पर यूज़ की तो सोलो मन से यह कंट्रोल हो गया और साथ में मैंने सुपर कलर भी मिला दी थी तो जो भी दोनों कीटनाशक जो भी उसका रिएक्शन हो लेकिन सोलो मन से एक कीट कंट्रोल हो जाता है वह यदि आप सोलो मन में ए टमे पेड भी मिला देंगे मतलब एक का पाउडर के नाम से आता है जो तो भी बहुत ही जल्दी कंट्रोल होता है दोनों का रिएक्शन कुछ अलग ही हो जाता है इसके अलावा आप सोलो मन में थायो मिलाकर भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं तो हमने दोनों यूज किए हैं सोलोमन में थायो डाला है और सोलोमन के साथ में एसिटा मे पेड़ भी डाला है तो सोलोमन के साथ में हमने एक बार कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड उसके लिए भी हमने मिक्स करके डाला है तो तीनों तरीका हमारे काम कर रहे लेकिन हमने सोलोमन इसके साथ में यूज किया है एक बार हमने इसको गर्मियों में एक प्रैक्टिकल और किया था कि हमने इमिडा के साथ में थायोमुथक्सा और साथ में सफर के जो साइबो मेथिन के नाम से आती है इन तीनों को मिक्स करके डाला था उससे भी इसका कंट्रोल मिल गया था लेकिन दो से तीन दिनों के लिए लेकिन हमने सोलोमन का यूज़ किया तो उसका हमें रिजल्ट मिला लगभग सात से आठ दिनों तक तो किसान भाई डोज की बात किया तो सोलोमन लेना है आपको बीस एम एल प्रति पंद्रह लीटर पानी के पंप के हिसाब से और थायो मिथ से आता लेना है आपको दस ग्राम और यदि आप सोलोमन के साथ में एसीडा मेपेट ले रहे हैं तो एसिडा मेपेट लेना है आपको तीस ग्राम और सोलोमन लेना है आपके लिए बीस एम इस प्रकार से आप डोज डाल सकते हैं इसके बाद में सोफा केलर ले रहे हैं सोलोमन के साथ में तो सोफा केलर लेना आपको तीस एम और सोलोमन लेना है आपको बीस एम इस प्रकार से आप डोज डाल सकते हैं खास आप इन कीट का यूज़ करके इस मच्छर को कंट्रोल कर सकते हैं इस कीट को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत है है। ही हानिकारक कीट है वैद्य बिल्कुल ही रुक जाती है पौधे की इस प्रकार से हमने लौकी की खेती की है और इस प्रकार से इस कीट को कंट्रोल किया है यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको थोड़ा बहुत इन लगा दो वीडियो को शेयर कर दें किसान भाई के साथ में और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद